नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वीरेंद्र कुमार और आप सभी को एक बार फिर से क्रिसमस की शुभकामनाएं पूरे CNBC आवास परिवार की तरफ से। पर हम एक एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ जा रहे हैं और उससे पहले मैं एक्सटेंडेड वीकेंड शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसका इन 3 दिनों की छुट्टियों का यकीन मानिए बाजार पर इम्पैक्ट भी पड़ेगा। लेकिन इस इम्पैक्ट से पहले आई थिंक आज सुबह जो हमारे पास था, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संकेत के नाम पर हो या फिर ऑप्शन या फिर डेरिवेटिव स्टैट्स के नाम पर हो जिसके आधार पर हमें ट्रेड करना था, वो क्या था उसको एक बार देखते हैं, फिर आज की रणनीति पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में आज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से शिवांगी शारदा होंगी जो करेंगी बातचीत इंडेक्स पे और स्टॉक स्पेसिफिक मतलब फ्यूचर्स पे और ऑप्शंस पे। शिवांगी, गुड आफ्टरनून और आपको भी एक बार फिर से क्रिसमस की शुभकामनाएं। लौटते हैं एक बार इंडस्ट्रीज पे। आपकी स्क्रीन पे 21382 का लेवल है बैंक निफ्टी का, करीब करीब 47911 का ऑलमोस्ट एडी हाई की ट्रैजेक्टरी। देखिए, आज सुबह सुबह हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट थोड़ा सा टफ था। हम परसों गिरे, US गिरा, हमने कल पुल बैक लिया, US ने कल पुल बैक लिया, वो न्यूट्रल हो गया था। पर एग्जैक्टली आज हमें एक गिफ्ट निफ्टी में इतनी सब्सटेंशियल गैपअप की ट्रैजेक्टरी नहीं मिल रही थी कि हम एक बहुत ज़्यादा उसके बाद ओवरशूट कर जाएं। आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी, लेके स्क्रीन पर लेवल्स आइएगा फिर बात करूँगा मैं यहाँ पर। और अप्रोच यही थी कि हमें जब स्ट्रेंथ को बाय करना है तो वो है रेजिस्टेंस लेके आइए पहले 21310। ये जोन बाइसेक्ट हो तो बिना सोचे समझे दाव खेलना है फॉर ए अपर स्विंग टूवर्ड्स 388410। यकीन मानिए अगर वो डिप ना मिला, मतलब अगर वो स्ट्रेंथ ना मिली तो डिप को बाय कीजिएगा। क्या था वो डिप? फर्स्ट ऑप्शन बेस दैट वॉज 21210, 21210 और 21136, दैट इज 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आउट ऑफ दिस टू मेरे ख्याल से जो पहला केस था कि हम स्ट्रेंथ को बाय करें वो स्क्रीन पे प्ले हो गया। अगर आपने 310 के ऊपर बाय किया ऑलमोस्ट हम निफ्टी पे उस 388 के क्लस्टर को छू के आ चुके हैं। आज का इंटरडे हाई था 390, वो स्विंग हमको मिल चुका है। अब क्या करें? निफ्टी बैंक में क्या बात हुई थी? निफ्टी बैंक में बात हुई थी कल का एक बहुत स्ट्रांग मूव HDFC बैंक का प्ले करने के बाद। ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत कूलिंग ऑफ हो। देखिए, एक डिफरेंशियल होता है, दोनों इंडेक्स जो हैं वो अपने एक डिफरेंशियल को पूरा करते हुए चलते हैं, कभी निफ्टी आगे तो कभी निफ्टी बैंक आगे। अब वो कल के लेटर हाफ के डिफरेंशियल को पूरा करना था निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक की बात यही हुई थी कि आइदर वी विल बाय अबव 48040 48040 के ऊपर और एल्स ऑन द बैक फुट। अगर इंडेक्स आए और वो बेस वन था आपकी स्क्रीन पर आएगा जहाँ पर बाय करने की आज सुबह सुबह मॉर्निंग अप्रोच में बात की गई थी, वो था 47640। और आप यकीन मानिए निफ्टी बैंक का आज का इंट्राडे लो है 47685। तो वो डिप मिला, वी आर ए डे हाई, और हमने क्या कहा था कि जब वो ट्रेड मिले आपको वो अनवाइंड करना है, प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करना है 48040 के जोन में। एग्जैक्टली वही हाईएस्ट क्लस्टर है। एक ट्रेड बेहतरीन आया चला गया एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले शुक्रवार का फर्स्ट हाफ। डेटा क्या कहता है? आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगे। आइए उसको एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा स्टैट्स को देखते हैं कि एग्जैक्टली मिड सेशन में क्या कह रहे हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो बिल्डअप है ये है नए कमेंस्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है ना। अब आप देखिए, आप स्क्रीन टू स्क्रीन कंपेरिजन करिए 21300 पे 57, 21200 पे 43 और 21100 पे 19 लाख। ज़्यादा पुट कंसनट्रेशन 21300 पे है विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 88 लाख। दैट मीन्स अभी जो ऑप्शन बेस कल 21200 पे था वो हट के परिवर्तन होने के बाद अब 21300 पे है। और आप देखिए कि 21400 का कॉल राइटर उतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं ले रहा है। सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई अब प्रिवेल करता है, परसिस्ट करता है ओनली एट 21500। इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर आप पैसा कमा के सुबह बैठे हैं शुक्रवार के दिन, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बट एक चांसेस हैं कि अगर हम 410 की ट्रेजेक्ट्री को, जो कि सुबह की मॉर्निंग कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था कि द मोमेंट वी विल क्रॉस 410 ऑन द हायर साइड लेवल्स लेके आइए सुबह के, वी विल गेट ए स्विंग टूवर्ड्स, लेके आइए स्क्रीन पे लेवल 437, 477 और 21517 की ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी। अब ये आपकी पॉकेट के डिपेंड करता है, आप उस स्विंग को प्ले करना चाहते हैं या फिर प्रॉफिट्स कैश में बाहर लेना चाहते हैं। याद रखिएगा, रीजनेबल स्टॉप लॉस अब आपका पॉकेट फ्रेंडली होगा, ना कि टेक्निकल एक अच्छे ट्रेड के बाद। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक पे अब जरा डेटा को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, अभी हमारे पास कोई
HDFC बैंक का वो आज जोहर नहीं है जो कल था। आज ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक सब प्ले कर रहे हैं, बट नॉट एग्जैक्टली HDFC बैंक का। बट स्टिल अगर आप स्क्रीन पर रीड करें 47,800, 700, 700 और 600 पे लगभग 9, 6, 15, 16, 17, 18 लाख पुट बिकी हैं। बट एक चीज क्लियरली एविडेंट है, बिल्कुल क्लियर है कि 48,000 का कॉल राइटर बड़े कन्विक्शन के साथ बैठा है। और याद रखिएगा, इस जोन में अपने लॉन्ग्स को लेके खड़ा रहना उतना बुद्धिमानी का सौदा नहीं होगा। लेट दिस जोन 48,000 and 48,210 उसको बाइसेक्ट होने दीजिए, तब बात करेंगे। एज ऑफ नाउ अगर आपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया है तो स्टे आउट। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इनफैक्ट एक बार फिर से आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या रहेगी बताइए। थैंक यू वीरू जी, क्रिसमस की आपको और सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं। जो सांता रैली है वो तो हम देख ही रहे हैं मार्केट में, एंड हम देख रहे हैं कि सपोर्ट जोन्स पे जो बुल्स है वो काफ़ी अच्छी तरह से एक्टिव है। और आज के स्तर में कोई भी डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढे जाने चाहिए। जो FIIs है वो इंटैक्ट है अपने पोजीशन के साथ। पुट कॉल रेशियो है जो काफ़ी इम्प्रूव होकर 1.11 के आसपास है, जो कि एक इंडिकेट कर रहा है कि पुट राइटर्स भी अपना बेस जो है काफ़ी स्ट्रांगली बनाए रखे हैं। एक यू नो करेक्टिव डे के बाद भी हमने देखा है कि एक अच्छी पुल बैक और स्टेबिलिटी आ चुकी है मार्केट में वापस। सो नेक्स्ट ऑन द कार्ड 21,450 इमीडिएटली एंड 21,600 के लेवल्स देखने को मिलेंगे निफ्टी में। 21,150 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे हमने गिरावट कम देखा था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, बट देन अगेन थोड़ा अंडर परफॉर्म ज़रूर कर रहा है ये इंडेक्स। PSU बैंक्स का जो एक सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छी तरह से बनते हुए दिख रहा है, तो ये एक अच्छी बात है इंडेक्स के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट लेवल जो है 48,250 और 48,500 तक के लिए बनते हुए दिखेंगे। 47,750 के एक सपोर्ट के साथ हम मंथली एक्सपायरी वीक में घुस रहे हैं, तो ऑब्वियसली वोलेटिलिटी रहेंगे, ऑप्शंस में स्विंग थोड़े बहुत देखने रहेंगे, सो हमें कॉशियसली प्ले आउट करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो निफ्टी निफ्टी बैंक पर आपको दोनों राय मिल गई है। क्लोजिंग बेसिस पे कमेंट जो है, और डिसाइसिवली वो जो डैमेज परसों हुआ था 21,290 का, वो डैमेज कंट्रोल हो चुका है या नहीं हो चुका है? पोजीशंस को कैरी करना चाहिए ट्यूजडे के लिए नहीं, ये कमेंट्री, ये आई थिंक स्टैट्स पे, और आई थिंक एक आउटलुक हम फ्रेम करेंगे 3 से लेकर 3:15 के बीच में CNBC आवाज पर। शिवांगी, अब बताइए आपके आज 3 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या चीज कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पहला पसंदीदा काउंटर जो है मेरा वो रहेगा ग्लेनमार्क। हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करा है वीकली बेसिस पे। एक अच्छे पुलबैक मूव देखने को मिली है इसी हफ्ते, और ये अपने काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे क्लोजिंग दिया एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ RSI में, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पूरे सेक्टर का एक रिकवरी देखने को मिला है, एक पुलबैक है, तो ये एक टेलमेंट मिलते हुए दिखेगा। 888 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे 825 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक जो मेरा रहेगा वो है जुबिलेंट फूड पे। इस स्टॉक में भी हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी यू नो स्ट्रेंथ बनते हुए दिखी है, वॉल्यूम्स यहाँ ऐड हुए हैं, और जिस तरह से रोलओवर्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पे एक अच्छा संकेत बनते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। और यू नो 600 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखेंगे 570 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, जुबिलेंट फूड्स, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब शिवांगी जी ने तीनों ट्रीट दे दी ना। जुबिलेंट फूड्स आज सुबह सुबह हमने पिक किया था करीब करीब 572 पे मॉर्निंग में जब मैं बात कर रहे थे, और LNT हमने एक पिक किया था सुबह आज, और LNT CNBC आवाज़ पर पिक किया गया था अप्रॉक्सीमेटली, आप समझ डॉक्टर साहब LNT का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर, जो कि आज निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर है इन स्ट्रेंथ, वो करीब करीब ट्रेड अब मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब जुबिलेंट फूड हो गया। अब एक बार के लिए LNT पे आइए, क्योंकि मैं शिवांगी जी से LNT पे बात करूंगा एक बार, अगर ये कॉल दिखा दी हो आपने LNT, मैं ही निकाल लेता हूँ, छोड़िए आप चार्ट, LNT का चार्ट है। LNT इस वक्त करीब करीब 34-85 पे ट्रेड कर रहा है, ये करीब हमने 35 के आसपास लिया था सुबह सुबह आज 34-35 पे। शिवांगी, आपका आउटलुक क्या है इस वक्त लास्ट इन टू वे पे? 3487, और ये हल्की सी अगर आप देखें तो 15 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में जो एक हाइएस्ट क्लस्टर है, आई मीन 3490-3510 वहां पे थोड़ा सा सप्लाई आती है, बट इस बार आपका आउटलुक इस स्टॉक पे?
L&T में हम देख रहे हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट में भी एक काफ़ी बाइंग इंटरेस्ट बहुत ही स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। कल के सेशन में भी हमने देखा कि बहुत एक जो सपोर्ट है 3333 का, वहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रांग जो है एंट्री देखने को मिला बुल्स का। और आप देखोगे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे एक अच्छे लॉन्ग्स यहाँ ऐड होते हुए दिख रहे हैं, तो जिस तरह से ये सेटअप बनते हुए दिख रहा है काफ़ी पॉजिटिव है 25 के टारगेट्स के लिए, और 3420 के एक स्टॉप को हम ध्यान रखें। ओके, तो L&T बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आके ट्रेड करता हुआ, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ इमर्जिंग, मतलब भाई एक तो थीम होती है कि रोज जो चल रही है, लेकिन कुछ इमर्ज क्या हो रहा है लोअर लेवल से, या फिर क्या फ्रेश स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और इस क्रम में याद रखिएगा, गेल जो है ना चल रहा है, इसमें कोई दुराय नहीं, चल रहा है, बट अपनी राइजिंग ट्रेजेक्ट्री की भी, मतलब जो होती है ना, मैंने आपकी राइजिंग ट्रेंड लाइन, उसको भी क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब ये होता है एग्रेशन बहुत हाई है। शिवांगी, मेरे स्क्रीन पे इस वक्त ऑप्शन स्टैट्स के मद्देनजर और फ्यूचर स्टैट्स के मद्देनजर गेल बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, 150। आपका व्यू क्या है मैम, कहाँ तक जाएगा ये, क्या चेज करना चाहिए इसको? काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और हम देख रहे हैं कि इसमें एक ऑप्शंस का भी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है। स्टॉक में एक अच्छी मूव देखने को मिली है पिछले दो दिनों से, करीबन स्टॉक 10% के ऊपर बढ़ते हुए दिखा है, और अपनी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है इसने, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव स्टॉक है, इसमें एक अच्छी मूव यहाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू द लेवल्स ऑफ अराउंड 155 और 145 के एक स्टॉक है। ओके, चलिए अभी हमारा एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन अच्छा कल इसी कार्यक्रम में जब मैं कार्यक्रम कर रहा था तो हमने एक ट्रेड के बारे में बात की थी, और वो था कल हमारे साथ मेरे ख्याल से शिल्पा जी इस कार्यक्रम में मौजूद थी, और उन्होंने एक ट्रेड लिया था, दैट वाज आई थिंक ICICI प्रू की कॉल, और यहाँ टारगेट रखा गया था करीब 10 रुपये का, तो उसका टारगेट जो था वो ऑलमोस्ट इस वक्त पूरा हो चुका है, सुबह पूरा हो चुका है। अच्छा एक बात फिर मैं कहूँगा, एज ए डे ट्रेडर अगर आपने निफ्टी की कमेंट्री पर सुबह पैसा कमा लिया है, दैट्स गुड, बना के बैठ जाइए। नेक्स्ट स्विंग कोलैप्स का फियर होता है, याद रखिएगा, फ्राइडे एंड स्पेशली बिफोर अ एक्सटेंडेड वीकेंड, अनिश्चितता के बीच में एक कोलैप्स का फियर होता है। अभी के लिए अब हम सिर्फ बात करेंगे क्लोजिंग में कि भाई ट्रेड्स को कैरी करें कि नहीं करें, बट एज अ डे ट्रेडर बुक करना यहाँ पे ठीक है। एग्रेशन, शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश स्विंग तभी आएगा जब आप 410 के क्लस्टर को बाहर काट देंगे, ऊपर की तरफ काट देंगे, या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी 48040 ऑन निफ्टी। रही बात ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, आज का शो का नाम है जिसमें हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, फ्यूचर एक्सप्रेस। फ्यूचर्स को समझने के लिए, जानने के लिए CNBC आवाज़ की खास सीरीज FN गुरुकुल। जी हाँ, इसके अपार सफलता के बाद, सीजन 1 की अपार सफलता के बाद अब वक्त आ चुका है कि हम इसके सीजन 2 में जाएं, और FN गुरुकुल के सीजन 2 में आपको सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं, देखिए कंपनी को समझना, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना, उनको कैश में पिक करना, उसको डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना, उसको डेरिवेटिव्स में अपने आप को हेज करना, स्ट्रेटजीज पे काम करना, निफ्टी निफ्टी बैंक पे ट्रेड करना, और साथ ही साथ इस बार FN गुरुकुल में हम एक चीज़ और जोड़ रहे हैं, और वो ये है कि अगर आप एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को कैसे क्रिएट किए, सुसज्जित कैसे करें, उसको रिस्क उसका कैसे कम करें, उसके रिवॉर्ड्स पोटेंशियल्स को कैसे बढ़ाया जाए, इस बार ये 4 खास अंश इस कार्यक्रम के होंगे। स्क्रीन पे दिए हुए जो स्कैन कोड है उसको स्कैन कीजिए, 21 जनवरी 2024 को मुलाकात होगी आपसे FN गुरुकुल 2 में। सभी का फिर से स्वागत है, शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इंडेक्स से बातचीत हुई ब्रेक से पहले, और 3 स्टॉक फ्यूचर से बात हुई, और कुछ थोड़ी बहुत हमने मार्केट स्कैनिंग करी। निफ्टी हल्का सा बैकफुट पे आ रहा है, इट्स नाउ 21348। बात फिर याद रखिएगा, आप एक बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं हैं, आप एक अभी भी टसल जोन में हैं, आप एक एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ जा रहे हैं, प्लस 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 अगर आप देखें FIs जो हैं वो थोड़ा सा कैश में सेल बोर्ड में है। अब शिवांगी आज ऑप्शन ट्रेड करेंगे, आपका सस्ता ऑप्शन क्या रहेगा? जी
सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है गेल। यहाँ पे काफ़ी अच्छा दो दिनों से शॉर्ट कवरिंग मूव और फिर फॉलोड बाय लॉन्ग्स यहाँ पे बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं। इसका जो एक प्रीवियस हाई हुआ करता था 149 के आसपास, स्टॉक ने उसको अच्छी तरह से सपास करके होल्ड किया है। यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं ऑप्शन एक्टिविटी के साथ, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 150 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें 2 के स्टॉप लॉस के साथ और 6.5 के टारगेट्स के लिए। तो इसका मतलब यह है कि ब्रेक से पहले शिवांगी जी मनी मन मेरे को कोस रहे होंगे कि यार ये यही तो स्टॉक निकाला था, यही पिक कर लिया। तो यहाँ पर 150 की कॉल जो है वो 370 पे आपको लेनी है और स्टॉक डिहाइड्रेटेड कर रहा है, और याद रखिएगा ऑल टाइम हाई पे भी ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग हो वाकई। अगर आप देखें इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम, मोमेंटम है और बाजार दो तरीके की चीज़ों पर फोकस कर रहा है, ऑल टाइम हाई या फिर एट बेस। आपने वोल्टास मेरे ख्याल से दो दिन पहले शिवांगी ने ट्रेड दिया था, वो बेस से बाहर निकलता हुआ या फिर ऑल टाइम हाई पे। खैर शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आए रखी आपने, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं क्रिसमस की और हैव अ नाइस वीकेंड। अब एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे हर्षता के साथ। अब तक के लिए